ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दिव्या, हर्षिता, ओम, प्रांजल, रजवीर, रुद्र। रुद्र कैसे हो? सलोनी, संस्कार, शौर्य, सोहम, तन्वी, वरदा, वेदांत, विराज एंड विवेक। ओके, सो आई होप यू ऑल आर गुड और घर पे भी सभी अच्छे हैं। एक सेकंड। विवेक गुड मॉर्निंग। विवेक गुड मॉर्निंग। ओके विराज, विराज टेस्ट का वो पोस्ट किया था यार, है ना, ग्रुप पे पूरा टेस्ट प्लान। यस सर, इट हैड एक्चुअली गॉन अप सो आई कुडंट फाइंड इट। ओके, नो इशू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली टिल नाउ वी वर गोइंग थ्रू स्क्वायर फॉर्मूला और काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को बोलो। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? काफी सारे क्वेश्चंस हो गए यार, है ना। देखो अभी कंप्लीट रिवीजन करवाना तो पॉसिबल नहीं होता है। सो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप लोग एक बार अपने आप से रिवीजन करो और फिर कोई डाउट होता है तो वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार जल्दी से। लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू एन, यानी कि समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, दिस इक्वल्स टू एन इनटू एन प्लस 1 अपॉन 2। लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 50 विल बी इक्वल टू 50 इनटू 51 अपॉन 2। सिमिलरली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, दिस इज समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दिस इक्वल्स टू एन इनटू एन प्लस 1 इनटू 2 एन प्लस 1 अपॉन 6। अच्छा एक पॉइंट और, लाइक हर क्लास में रिपीट करते हैं, इट विल बी बेटर इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास, तो फिर इंटरेक्शन थोड़ा सा अच्छे से रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था दिस, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, यानी कि समेशन ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये होता है n into n plus 1 upon 2, यानी कि दिस एक्सप्रेशन और इसका परफेक्ट स्क्वायर। इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए थे, ठीक है। तो लाइक ये क्वेश्चंस भी हो गए थे, 2a माइनस 3b प्लस 4c होल स्क्वायर, इन सबको ओपन करना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था, वो है लाइक दिस, समेशन एक्सप्रेशन है 1 into 2 प्लस 1 into 3 प्लस 1 into 4 प्लस 1 into 5 up to 1 into 50, then 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 50, 3 into 4, 3 into 5, 3 into 50 और लास्ट में है 49 into 50। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्क्वायर फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफी क्लासिक क्वेश्चन है। ओके, सो हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? ये लास्ट टर्म पे हो गया था कवर, लास्ट टू लास्ट टर्म पे हो गया था। लास्ट टर्म में मैथ्स का लेक्चर नहीं हो पाया था, बट लास्ट टू लास्ट टर्म पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने। क्वेश्चन है दिस, 1 into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 4 up to 1 into 50, then 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5 up to 2 into 50, similarly 3 into 4, 3 into 5, 3 into 50, और लास्ट में है 49 into 50। This expression या summation of all these terms we have to find out, ये question। प्रांजल explain करोगे आप? Okay, कौन explain करने वाला है बोलो? So 1 into 2, 1 into 3 plus 1 into 4, 1 into 5, 1 into 50, last mein hai 49 into 50. This complete expression we can find out in 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 50 and then whole square. Yes or no? First write squares, 1 square, 2 square, 3 square, 50 square and then 2 times all possible pairs. All possible pairs like 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, 1 into 50. Then 2 into 3, 2 into 4, 2 into 50. Then 3 into 4, 3 into 5, 3 into 50, 4 into 5, 4 into 6, 4 into 50. Yes, sir. So first write squares, any 1 square plus 2 square plus 3 square plus 50 square plus 2 times all possible pairs. Ye hai summation of first n natural numbers, 50 natural numbers. So basically n into n plus 1 upon 2. Aur yahan pe aap put karoge n is equal to 50, यानी 50 into 50 1 upon 2 complete square. Okay, this expression, इसका formula होता है this n into n plus 1 into 2 n plus 1 upon 6. Here n is equal to 50.
फिर आप फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ कैपिटल एन. यही एक्चुअल में क्वेश्चन था. ठीक है. अच्छा यार, अभी काफी लोग अपने कैमराज वगैरह ऑफ करके सो रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा यार आप लोग अपने आप से ही ध्यान रखो इस चीज को ना. इस चीज को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते. ठीक है, तो सिंसियर रहो, थोड़ा सा बेटर रहेगा, और प्रॉपर क्लास अटेंड करो, रिप्लाई करो ऐसा. ठीक है, एक क्वेश्चन था दिस. 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 टू द पावर 4 प्लस 1, 2 टू द पावर 8 प्लस 1, 2 टू द पावर 64 प्लस 1. ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, काफी सारे टर्म्स है यहाँ पे. फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज ब्रैकेट्स. सो बेसिकली यहाँ पे आप इनिशिएट करते हो विद मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ 2 माइनस 1, लाइक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. Then this 2 square minus 1 is 1 square is 1 obviously, but 2 square minus 1 and 2 square plus 1, these two terms will get combined, aur ye banega abhi a square minus b square. Now what is 2 square square? 2 to the power 8, 2 to the power 4 bracket hai, a to the power m bracket n, yani e to the power m into n, 2 into 2 yani ki 4. To ye ban gaya 2 to the power 4, 1 square to 1 hi hota hai. Now this bracket again will get combined and will give you a square minus b square, yani 2 to the power 4 ka square. And what is 2 to the power 4 square? 2 to the power 8. Haan, to ye ho gaya abhi 2 to the power 8 minus 1. To clearly like 2 to the power 8 plus 1, iske pehle apne aap se obtain ho raha hai yahan pe 2 to the power 8 minus 1. Similarly, 2 to the power 64 plus 1 for this bracket. आपको ये अवेलेबल मिलेगा 2 टू द पावर 64 माइनस 1, अगेन a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 टू द पावर 64 ब्रैकेट स्क्वायर. एंड व्हाट इज 2 टू द पावर 64 ब्रैकेट स्क्वायर? 2 टू द पावर 128. हां यार, ऐसे मत देखोगे, ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं, ये सब ऑलरेडी हो गया लास्ट टर्म पे ना, जस्ट लास्ट टर्म का ही ओवरव्यू कर रहे हैं अभी हम लोग. तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे, ये भी हो गया था, ये सब हो गया था. ठीक है, एक दिस क्वेश्चन देख लेते हैं. लाइक क्वेश्चन है 2a plus 3b is equal to 7 and a into b is equal to 2. We have to find out 16a to the power 4 plus 81b to the power 4. 16a to the power 4, ये 2a का स्क्वायर और फिर से स्क्वायर है. बाकी हमेशा इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. ठीक है, जस्ट थिंक टू नंबर्स a एंड b सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशंस. So a into b है 2, either a is equal to 2 or b is equal to 1. ये इसको satisfy कर रहा है क्या, बोलो? Yes sir. हाँ, तो ये हो गया 4 plus 3 यानी कि 7. एक केस ये भी consider कर सकते थे, let's say a हो गया 1 और b है 2, but अभी ये satisfy करेगा क्या इसको, बोलो? No sir. हाँ, तो ये is equal to 8 होता ना, then ये okay था, but अभी तो नहीं है. So a is equal to 2 and b is equal to 1. Now put A and B both values in this expression. Question complete. ठीक है, बाकी ये सब questions हो गए थे, जैसे x plus 1 upon x is equal to 4. Find out x to the power 8 minus 1 upon x to the power 8 और इसका magnitude. Magnitude भी बोल देते हैं, absolute value भी बोलते हैं और mod भी बोलते हैं. So x to the power 8 minus 1 upon x to the power 8 equals to x to the power 4, मतलब a plus b into a minus b, फिर इसको break करोगे, फिर इसको break करोगे. X plus 1 upon X, ये already given है. Now we have to find out these three brackets, this, this or this. ठीक है. Important formula एक ये भी होता है, like A minus B whole square is equal to A plus B whole square plus or minus? Minus 4AB. हाँ, this minus, then this minus. ऐसा. ये कब use करते हैं? When summation is given, multiplication is given, and we have to find out A minus B, यानी कि difference. Summation is given, multiplication is given, and we have to find out A minus B. A minus B का मीनिंग होता है difference. ऐसा. ठीक है. तो ये सब questions हो गए थे, ये भी हो गया था. Okay. ये question काफी classic है. ये कौन explain करने वाला है, बोलो? Viraj, will you explain this question? Sir, I have a few doubts further on.
this question. So let me explain. Here a plus b plus c is given. A square plus b square plus c is four is also given. ठीक है. अभी a plus b plus c and a square plus b square plus c square, these two equation will relate through squares. So a plus b plus c is equal to 4. Squaring both sides, now expression will be a square plus b square plus c square plus 2 times all possible pairs like ab, ac or bc. On the right side, 4 square yani ki 16, a square plus b square plus c square, this is already given as 2. Abhi 2 using transposition right side yani ki minus 2. 16 minus 2 yani ki 14 and divide by 2 yani kitna bolo? 7. Okay. Second equation and third equation again will relate through squares kyunki a square ka square karne pe aata hai e to the power 4. So a square plus b square plus c square is equal to 2, squaring both sides, square, 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 plus 2 times pairs. Pairs ho gaye a square b square, then a square c square and then b square. C square. C square is equal to 2 square yani ki 4. This value is already given as 1 using transposition right side, minus 1, 4 minus 1 yani ki 3 and then divide by 2 yani 3 by 2. Theek hai, to abhi do naye equation mil gaye, this and this. Again these two equation will relate through squares kyunki a b ka aap square karte ho na, then only you will get a square b square. So अभी क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर रहे हैं. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 7, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल पेयर्स. ये पेयर कितना आ रहा है देखो, ए बी स्क्वायर सी, दिस पेयर ए स्क्वायर बी सी, दिस पेयर ए बी सी स्क्वायर. ऐसा ए बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी सी, ए बी सी स्क्वायर. ऑन द राइट साइड 7 स्क्वायर यानी कि 49. ये जस्ट अभी फाइंड किया था, यहाँ पे है 3 बाई 2 प्लस 2 टाइम्स. इसमें कॉमन टर्म कितना आ रहा है बोलो, ए बी सी, ए बी सी, रिमेनिंग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 49. नाउ यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड एंड देन डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया बी ए बी सी इज इक्वल टू 95 अपॉन 16. सर कैन यू टेक अप अ लिटिल. Sir, here why did we not club like take common and solve further? कहाँ पे common? In which step? Sir, after you said square both sides above. No sir, the step above that. यहाँ पे? हाँ sir, where we were calculating that. नहीं तो इसमें क्या common आ रहा है बोलो? A square B square, B square C square, C square A square. Is there any term which is common in all three, this and this and this? So like not that step, the step above where yes that one. Haan, to isme kya common aa raha hai fir abhi? Okay chalo koi theek hai, next question mein move karte hai. Next question hai this, x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. This value is given as 47. Find out x plus 1 upon x. Ye question. Well, can I try to explain? Pehle solve kar lo, fir ek baar explain karna. Pehle solve kar lo. Okay. Ek baar thoda apne aap se soch lo, hai na? X to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. This expression is given as 47. Now we have to find out the value of first question x plus 1 upon x, second question x minus 1 upon x. यार ये सब बहुत अच्छे questions होते हैं, competitive point of view से भी काफी अच्छे questions हैं, तो थोड़ा सा sincerely करो try चीजों को. Thank you.
x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is equal to 47. We have to find out x plus 1 upon x and x minus 1 upon x. This is a sign of magnitude, like 2 magnitude hai 2, minus 5 magnitude is 5. So for magnitude, you have to tell only positive number या positive result ऐसा, ठीक है? तो magnitude में sign matter नहीं करता, just positive answer. So x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4, this expression is given as 47. We have to find out x plus 1 upon x. Is there any relation between x plus 1 upon x and x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4? Haan, definitely a relation hai. Square and then again square. Okay. So x plus 1 upon x, this value we have to find out. Let's say this value hai p. Squaring both sides, x square plus 1 upon x square plus 2 times first term into second. So x plus 1 by x is 3. हाँ, correct है. बिल्कुल correct है. संस्कार बोल रहे हो क्या? नहीं सर, ओजस. हाँ ओजस, करो, explain करो, बोलो. Correct है. मैं दोनों साइड पे प्लस मतलब प्लस 2 इनटू x पावर 2 प्लस करते गए. सही कांसेप्ट है. Like x to the power 4, this is square of x square. 1 upon x to the power 4 is square of 1 upon x square. ठीक है, अभी तुम यही बोल रहे हो ना, बेसिकली आपने बोथ साइड गेट का ऐड किया है. हाँ, तो तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्रोच कर रहे हो, है ना? ठीक है, सही है. सो दिस इज लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म. दिस इज बेसिकली 2, सो वी आर एडिंग 2 ऑन द बोथ साइड्स. एनी डाउट? ठीक है, अभी लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन हो जस्ट क्या बन गया बोलो. सर, x square plus 1 by x square whole square. Whole square, बिल्कुल करेक्ट है. And on the right side, 49. So x square plus 1 upon x square can be either 7 or minus 7. But minus 7 possible नहीं है, because squares are always positive, या फिर 0. और positive numbers का summation कभी negative नहीं होता है. So 7. Next step. सर, वही फिर से करेंगे. वही फिर से करोगे. सो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर. वी आर एडिंग 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म टू कंप्लीट दिस स्क्वायर, एंड दिस इज जस्ट 2. सो 2 एडिंग ऑन द बोथ साइड. ऐसा ये बन गया. अभी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आइदर 3 और माइनस 3. एक काम करते हैं, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड यूज कर देते हैं. सो आंसर विल बी ओनली 3. करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन इज x माइनस 1 अपॉन x. सो फॉर दिस वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला कि a माइनस वील डू माइनस देयर. हाँ, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू. सर, आई हैव अ डाउट. हाँ प्रांजल, क्या बोलते हैं? सर, अबाउट द x square प्लस 1 अपॉन x square, हाउ यू डिफाइन दैट इट इज इक्वल टू 7? बेटा, 49 इज स्क्वायर ऑफ व्हिच नंबर? ओके ओके. हाँ, तो ये तो सिंपल सही पॉइंट है. 81 होता तो कितना लिखते हैं यहाँ पे? 9. 100 होता तो 10 लिखते हैं, और 225 होता तो 15 लिख देते हैं. नहीं, 729 होता तो 27 करते हैं, 900 होता तो 30 करते हैं, 861 होता तो 29 कर देते हैं, 36 होता तो 6 करते हैं, 72 होता देन 6√2. बेटा, जस्ट आपको स्क्वायर रूट ही तो कैलकुलेट करना है. 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7. ऐसे ही 72 स्क्वायर रूट, 72 इज 36 इंटू 2, 36 स्क्वायर रूट है 6. 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं, तो 6√2 ऐसा. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन. बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस है, नेगेटिव साइन है, सबट्रैक्शन हो रहा है,
तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. ठीक है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस का फोर टाइम्स फर्स्ट नंबर एंड देन सेकेंड नंबर. x plus 1 upon x है 3 square करते हो तो 9 this cancel 9 minus 4 is 5 and final answer 5 नहीं 5 नहीं root 5 हाँ root because it is x minus 1 upon x square so we got root 5 हाँ बेटा ये square है ना इसलिए हाँ suppose करो question होता like this कि x minus 1 upon x x minus 1 upon x whole cube is equal to 8. Then x minus 1 upon x will be 2. Exactly. 2. Suppose karo ye hota 4 aur yahan pe hota 16. A b. 2. Haan, 2. Kyunki 16 is 2 to the power 4. To 16 ka fourth root will be 2. Suppose karo yahan pe hota b let's say 3 aur yahan pe hai 27. Then answer. Three. सपोज करो three. इधर होता 3 और यहाँ पे होता 7 देन आंसर क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7 बिकॉज़ 7 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे आपको लिखना पड़ेगा जस्ट दिस 7 क्यूब रूट या क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब रूट ऑफ 7 इज बिकॉज़ 7 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब सो क्यूब रूट ऑफ 7 विल बी रैशनल और इरैशनल इरैशनल इरेशनल. देखो यार आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि जैसे 1 टू 1000 फ्रॉम 1 टू 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब फ्रॉम 1 टू 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब 10 जस्ट 10 नंबर्स 1 क्यूब 1 2 क्यूब 8 3 cube 27 और लास्ट में 10 cube 10 cube is 1000. हाँ तो एक बात मेरे को ये बताओ जैसे क्वेश्चन है find out the probability probability word सुना है ना सभी ने yes sir yes probability is basically percentage या फिर हम लोग बोल सकते हैं chances और इसका जो definition होता है वो ये होता है favorable cases upon total cases. So question is, if question is find out the probability so that x to the power 1 upon 3 is irrational where x belongs to ya x will be moving from 1 to 1000. So what will be the probability of cube root x to be irrational? Answer. It will be 10 upon 1000. 10 upon 1000. हाँ तो 1000 में से केवल 10 नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब उन्हीं का क्यूब रूट करके कितना परसेंट 1% सर बेटा 1% नहीं आएगा इसका आंसर बहुत ज्यादा 0.2 इसमें 990 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको एक्सप्रेशन क्या मिलने वाला है इरेशनल बिकॉज़ जस्ट 10 केसेस के अंदर आपको आंसर क्या मिलेगा इरेशनल हां तो 990 केसेस आर ऑफ इरेशनल नंबर अपन टोटल नंबर्स हैं 1000 परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो करोगे मल्टीप्लाई विद 100 वैसे करते ही नहीं है प्रोबेबिलिटी में लेकिन लेट्स से क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है वो परसेंटेज में है या फिर परसेंटेज में सोच रहे हैं हम लोग ऐसा तो 2020 कैंसिल कैंसिल कितना प्रोबेबिलिटी है 99% प्रोबेबिलिटी है नंबर्स का इरेशनल आने का. अब आप लोग मैथ्स के अंदर तो या फिर मुझसे तो एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम लोग जितनी भी कैलकुलेशन करने वाले हैं वो जस्ट 10 नंबर्स पे ही करने वाले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बाकी नंबर्स भी यूज करने पड़ेंगे और जब वो नंबर यूज होंगे तो वहां पे आंसर फिर रेशनल आएंगे तो इग्नोर नहीं कर सकते आप कहने का मतलब ये. नेक्स्ट पॉइंट पर सो नेक्स्ट अभी यार देखो स्क्वायर फॉर्मूले में इतने काफी है बाकी इसके एप्लीकेशन होते हैं काफी सारे स्क्वायर फॉर्मूले के कंप्लीटिंग स्क्वायर एक एप्लीकेशन होता है सर्च एक एप्लीकेशन होता है तो वो एक सेपरेट चैप्टर बना के उसको हम लोग वैसे पढ़ा था 8th क्लास में भी लेकिन वो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे उसको. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस क्यूबिक फॉर्मूला ये स्टार्ट स्क्वायर फॉर्मूले वगैरह के एप्लीकेशंस बहुत होते हैं ना काफी एप्लीकेशंस होते हैं
तो पहले ये कवर करते हैं क्यूबिक फॉर्म. सो फर्स्ट है दिस ए प्लस बी होल क्यूब, सेकंड वन इज दिस ए माइनस बी होल क्यूब, थर्ड वन इज दिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड फोर्थ वन इज दिस ए क्यूब माइनस बी क्यूब. इसके बाद भी कुछ आता है वो बाद में देखते हैं, पहले ये लिखते हैं ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू. देखो काफी लोगों को लगता है a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube, बट ऐसे मत करना है, नहीं सर. बच्चे नहीं है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि a plus b whole square is equal to a square plus b square, या फिर a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube. यार ये 8th class में ही पढ़ा था ना, थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेते हैं. सर plus 3ab into a plus b. हाँ तो ये आता है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. वो जस्ट काफी कर रहे हो यार आप, वर्क काफी कर रहे हो आज, वेरी गुड. तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और वी कैन राइट दिस ऑल्सो ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू. देखो इसको लर्न करना भी इजी है, जो कोफिशियंट्स हैं वो है 1 3 3 1 1 3 3 1 ऐसा. बाकी इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट नंबर, दिस इज कॉल्ड ए सेकंड नंबर. सो फर्स्ट नंबर्स पावर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, ए क्यूब ए स्क्वायर ए टू द पावर 1 ए टू द पावर 0, एंड सेकंड नंबर इज बी, बी के पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं 0 1 2 3 ऐसा, और 1 3 3 1. नाउ ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इनटू ए माइनस बी. मतलब यहां पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में, फर्स्ट एक्सप्रेशन में प्लस के प्लेस पे आप यूज करोगे माइनस साइन, माइनस 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 ऐसा, ठीक है. इफ वी ओपन दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट ए क्यूब दिस माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, एंड देन दिस नेगेटिव इनटू नेगेटिव प्लस थ्री ए स्क्वायर एंड देन माइनस बी क्यूब. लर्न करना काफी इजी होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बाकी सब वही है जो a प्लस बी होल क्यूब में था. नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस वन इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये सब आइडेंटिटीज है यार ना, इनका मीनिंग ये होता है आइडेंटिटीज का कि आप राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हो ना, मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करते हो तो ऑल टोटल सिक्स टर्म्स आएंगे वहां पे, फोर टर्म्स विल गेट कैंसिल एंड यू विल गेट ओनली ए क्यू प्लस बी क्यू. नाउ ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी एंड देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एग्जैक्टली, ठीक है. तो ए क्यू प्लस बी क्यू में फर्स्ट प्लस देन माइनस, इन ए क्यूब माइनस बी क्यूब फर्स्ट माइनस एंड देन ये काम करना है मुझे, ये आपको पता होना चाहिए तो फिर आप कर लेते हो, बाकी ट्रिक्स वगैरह सब सेकेंडरी चीजें हैं. तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी होल क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस, बाकी ये एक्सप्रेशन है तो ए क्यू माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस एक्सप्रेशन इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट प्लस देन माइनस, ए क्यू माइनस बी क्यूब फर्स्ट माइनस एंड देन प्लस. इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये है ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब और ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, डिफरेंट होता है. जैसे टू प्लस थ्री होल क्यूब एंड टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब, both are entirely different. 2 plus 3 is 5, 5 cube is 125, 2 cube is 8, 3 cube is 27, summation is 35. और 125 और 35 कभी नहीं होता सही. okay. इसके ऊपर एक कंसेप्ट और, वो अभी ऑलमोस्ट 2 पेजेस के बाद में करेंगे, 2 पेजेस के बाद में, पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, 2a plus 3b Let's say this value है 5, a into b, ये है 2, find out. 8 aq plus 27 bq, ये question है.
अच्छा ये फॉर्मूले नोट कर लो पहले यार, है ना, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व। सो हम एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन ये? यस सर। हाँ सो हम बोले 2a + 3b द होल क्यूब इज इक्वल टू 5 द होल क्यूब। ठीक है, सो बेसिकली क्यूब क्यूब बोथ साइड्स। यस ठीक है, सो 2a + 3b होल क्यूब इज इक्वल टू 5m³ यानी कि 125। नेक्स्ट स्टेप बोलो। 8a³ + 27b³। हाँ, जस्ट इसको अपन ही कर रहे हैं। दिस इज लाइक फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर होल क्यूब, यानी फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब थ्री टाइम्स फर्स्ट इनटू सेकंड। हाँ करेक्ट। सो 8a³ + 27b³ + 18ab थ्री टाइम्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 3b इज इक्वल टू 125। ये एक्सप्रेशन वी हैव टू फाइंड आउट, ये बन गया अभी 18ab। हाँ बिल्कुल, 18 और ab कितना गिवन है? 2। सो 18 × 2 एंड दिस नंबर इज आल्सो ऑलरेडी गिवन 5 इज इक्वल टू 125। करेक्ट। सो 18 × 5 यानी कि 19 × 2 180। So using transposition, take 180 on the right side, then 8a³ + 27b³ is equal to 125 - 180. Yes, yani answer is -55. Correct. बस इतना ही question था, हो गया। Any doubt? चलो एक next question और करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस a + b, दिस वैल्यू इज गिवन एज 4a × b, दिस इज 1, फाइंड आउट a³ - b³। ये क्वेश्चन या फिर एक काम करो, है ना, पहले आप ये क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये इजी है, फिर सेकंड सॉल्व करते हैं।
So a minus b, this expression is 4, a into b is 1. And we have to find out a cube minus b cube. Again, same procedure, just cube on the both. Bilkul. So this is a minus b whole cube is equal to 4 cube, yani 64. And the formula is this, a cube minus b cube minus 3ab, a minus b is equal to 64. A into b, this value is already given as 1. A minus b, ye bhi already given hai 4. So 4 into 1 into 3, yani ki 12. Yani minus 12, using transposition on the right side, plus 12. And 16 plus 12 is? 76. Correct. तो ये भी है सच टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी ही है ठीक है बताओ कोई डाउट है तो बोलो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन है दिस a plus b is equal to 4 a into b is equal to 1 फाइंड आउट a cube minus b cube दिस क्वेश्चन करो ट्राई a plus b 4, a into b 1, and then a cube minus b cube. एक issue आएगा यहाँ पे problem आएगा वो problem कैसे tackle करते हो वही matter करता है इस question में. a plus b 4, a into b is 1, and then a cube minus b cube. ये question है. Four a cube minus so 14 root 3. Okay. Harshita, explain karoge? Yes. How? But for removing a cube minus b cube, we should first remove a minus b. Exactly. A cube minus b cube. This expression we will be finding in a minus b. देखो यार एक्यू प्लस बी क्यूब ये मिलता है आपको में अच्छा जस्ट वन मिनट एक्यू माइनस बी क्यूब दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट इन ए माइनस बी होल क्यूब सो फर्स्ट वी नीड ए माइनस बी एंड फॉर दिस a plus b whole square is equal to a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. हाँ मतलब a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. a plus b है 4 square करते हो तो 16. a into b is 1. 1 into 4 यानी कि 12. a minus b whole square is equal to 12. a minus b is equal to plus or minus. लेकिन अभी modulus कर लेते हैं इस question के अंदर बनना. So use just positive sign. ठीक है. So 12 square root is 2 root 3. 12 is 4 into 3. Square root of 4 is 2. यानी कि 2 root 3. And now cube.
both sides. जैसे last question था same वैसे. So a minus b is equal to 2 root 3 cube both sides a cube minus b cube minus 3ab bracket a minus b is equal to 2 root 3 whole cube. So what is 2 root 3 cube? 2 root 3 or 2 root 3 24 root 3 a minus b this value is 2 root 3 a into b ye already given tha kitna given tha ye 1 aisa so 3 into 2 into 1 yani ki 6 root 3 but negative because of this negative sign Using transposition, take on the right side. So what is the final answer? 30 root 3. Correct. So final answer is 30 root 3. If question is, the final answer is represented in the form of root P. The final answer is represented in the form of root P. Then find out the value of P. Answer will be? अरे नहीं यार थ्री कैसे आ जाएगा अभी फाइनल आंसर जस्ट थ्री थोड़ी आ रहा है सॉरी फाइनल आंसर जस्ट रूट थ्री नहीं आ रहा है ना फाइनल आंसर आ रहा है 30 root 3 नाउ माय क्वेश्चन इज इफ द फाइनल आंसर मतलब ये इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट पी देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी 2700 हाँ वही 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 क्वेश्चन था तो 30 को आप स्क्वायर रूट के अंदर लेके आओगे 30 इज स्क्वायर रूट ऑफ 900 तो 900 इंटू 3 यानी कि 2700 ऐसा तो फिर वैल्यू ऑफ पी आएगा 2700 कोई डाउट मतलब लेक्चर के टाइम पे नहीं आता है कोई डाउट है ना एग्जाम के टाइम पे आता है तो इसके लिए बेस्ट रहता है कि लेक्चर के टाइम पे ही डाउट्स लेके आ जाओ और उनको क्लियर कर लो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 ये जस्ट अभी सॉल्व किया था वैसे ही कुछ है is equal to 47 find out x cube plus 1 upon x cube ये क्वेश्चन है सर 18 18 यस सर ओके तो फर्स्ट आपने x प्लस वन अपॉन x फाइंड किया होगा है ना सर x प्लस वन अपॉन x पिछले क्वेश्चन में 3 आए थे इसलिए काउंट नहीं कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी इशू नहीं है x प्लस वन अपॉन x जस्ट अभी आई थिंक 2 पेजेस पहले ही कैलकुलेट किया था हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था
तो x plus 1 upon x वहां पे निकल के आता है 3, राइट यूज कर लो, कोई भी इश्यू नहीं है. नाउ क्यूब बोथ साइड्स. ठीक है, सो ये हो गया अभी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स a b एंड a प्लस b, और ये हो गया अभी 3 क्यूब इज 27. दिस x कैंसिल. बेटा आंसर तो रॉन्ग है फिर आपका, नहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b इज इक्वल 27, 3 क्यूब इज 27. सर x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 एंड 3 इनटू 3 9 27 माइनस 9 18. अच्छा अच्छा हाँ ओके ये ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल ये 3 है. हाँ ओके सही है. सो 3 इनटू 3 इज 9 यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द राइट साइड यानी कि माइनस 9. तो फाइनली x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 7 यानी आंसर इज 18. करेक्ट बिल्कुल ठीक है. चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो. क्वेश्चन है दिस. टू ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू 8, ए इंटू बी इज इक्वल टू 2. फाइंड आउट 8 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब. एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि जस्ट क्वेश्चन देखा और ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करने लग गए. पहले सोच लेना, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाते हैं. कई बार डायरेक्ट आंसर्स भी आ जाते हैं, तो पहले क्वेश्चन को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए. डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आगे फॉर्मूले वगैरह यूज करो, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं होता है. So 2a plus 3b है 8, a into b है 2. We have to find out 8a cube minus 27 b cube. Sir. हाँ बोलो. A will be 1 and b will be 2. Yes sir. Correct. ठीक है, तो a into b 2, 2 और 1 या 1 और 2, 2 और 1 this pair use तो नहीं करना चाहिए क्योंकि 7 summation आ रहा है. 1 into 2 we can definitely use. So clearly A is equal to 2 and B is equal to 1. Nahin, A 1 B 2. So answer is 8 into 1 cube minus 27 into 2 cube. Exactly. So ye ho gaya abhi 8, 27 into 8. 8 common, 1 minus 27 is minus 26. यानी फाइनल आंसर इज माइनस 208. इफ क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड देन आंसर 208. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर, डेफिनेटली करेक्ट. हां बोलो सर, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वी गॉट ए एंड बी अगेन? बेटा ए इनटू बी इज 2 ना, सो फर्स्ट पेयर दैट कम्स इन माइंड रिगार्डिंग ए इनटू बी इज 2 इज आइदर 2 इनटू 1 और 1 इनटू 2. ऐसे माइंड में डायरेक्ट तो ये नहीं आता ना कि 200 into 1 upon 100 ऐसे आता है क्या? नहीं आता ना, 1 into 2 ही आता है पहले. तो अभी 1 into 2 को वहां पे यूज करके देखा, 2 into 1 को यूज करके देखा, तो फिट हो गया कोइंसिडेंटली एंड लकीली. नहीं होता फिट तो फिर फॉर्मूले ट्राई करते हैं. 4 8a cube minus 27 b cube. फर्स्ट वी नीड 2a minus 3b, जैसे ये अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, लास्ट लास्ट क्वेश्चन वैसे ही. So first we need 2a minus 3b and for 2a minus 3b we will apply which formula? A minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. So first you will get 2a minus 3b, then cube both sides. Next question here this. X is equal to 2 to the power 2 upon 3, 2 to the power 1 upon 3 plus 1. Find out the value of the expression. ये सारे questions 11th में करवाए जाते हैं ना, लेकिन आपको मिलेंगे अच्छे questions. X is 2 to the power 2 upon 3, 2 to the power 1 upon 3 plus 1. Find out the value of the expression, this expression.
x cube minus 3x square minus 3x. अभी थोड़ा केयरफुली समझना स्टार्ट करना चाहिए ना, क्योंकि अभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं. x is equal to 2 to the power 2 upon 3, 2 to the power 1 upon 3 or 1. Find the value of the expression x cube minus 3x square minus 3x. देखो एक पॉइंट समझ लो पहले, सुन लो सभी लोग, बाद में सॉल्व कर लेना इसको. इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस, 8 टू द पावर 2 अपॉन 3, 8 टू द पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो इस क्वेश्चन में कोई भी इशू नहीं है बिकॉज 8 इज ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब नंबर. तो 8 क्यूब रूट कितना होता है 2, दिस इज 8 क्यूब रूट और फिर स्क्वायर. 8 क्यूब रूट 2 एंड 2 स्क्वायर इज 4, यानी 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कितना बोलो 7. So just substitute x is equal to 7 in this expression. But abhi question ye nahi hai, question hai ye. But is question mein problem ye hai ki 2 perfect cube number nahi hota. To 2 ka cube root calculate karoge to 1 point something jaisa kuch aane wala hai, exact tabhi nahi aayega kyunki irrational hai. 1.41 beta wo aise approximate value nahi chahiye, hame exact value chahiye, hai na. इरेशनल नंबर्स का एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आता है, इसीलिए उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं. उनके अंदर पॉइंट डेसिमल के बाद में रिपीटेशन कभी नहीं मिलता. जैसे 22/7 ये रेशनल है, डेसिमल के बाद में रिपीटेशन आ जाएगा, बट एक्चुअल में जो पाई नंबर है ना, वहां पे डेसिमल के बाद में रिपीटेशन नहीं आता कभी भी, इसलिए उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं. सो अभी क्वेश्चन है ये, x is equal to 2 to the power 2 upon 3, 2 to the power 1 upon 3 plus 1. अच्छा, 2 to the power 2 upon 3 का मीनिंग समझते हो ना, 2 to the power 1 upon 3 and then square, like a to the power m bracket n, a to the power m n. ठीक है संस्कार, चलो तुम स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को, क्या करना चाहिए बोलो. सर we have to substitute that value in x. तुम समझ नहीं रहे बात को यार, ये वैल्यू तुम्हें पता है क्या? नो सर. और ये कोई इजी तो है नहीं वैल्यू, इसमें a plus b plus c है, और वेयर सी इज नॉन टू अस, ओनली सी इज वन, बाकी ए वैल्यू नहीं पता, वी वैल्यू नहीं पता. ए प्लस बी होल क्यूब भी पता होता है हमें, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का एक्सप्रेशन काफी बड़ा आता है, उसको यूज ही नहीं करते हैं. और कोई आइडिया इंट्रोड्यूस करो बोलो. देखो काफी सिंपल आइडिया है. Till now, we have information about either a plus b whole cube or a minus b whole cube. A plus b whole cube or a minus b whole cube, both are containing two terms. But यहाँ पे कितने terms हैं? Three terms. हाँ, तो इसको two terms करना है, हमें क्या करना चाहिए? Into one upon one. अरे नहीं यार, into one upon one से क्या effect होता है? एक काम करो ना, वन को यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, इतना तो कर ही सकते हैं ना. तो वन को यूजिंग ट्रांसपोजिशन आप लेफ्ट साइड लेके आते हो, तो अभी राइट साइड में कितने टर्म्स रिमेनिंग है? टू टर्म्स. और लेफ्ट साइड में भी कितने टर्म्स बन गए? टू. हाँ तो ठीक है, क्या इश्यू है? दोनों के फॉर्मूले पता तो है हमें. So x minus 1 is equal to 2 to the power 2 upon 3 plus 2 to the power 1 upon 3. अभी बिंदास क्यूब बोथ साइड्स. क्यूब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फाइनल क्वेश्चन में क्यूब ही है, स्क्वायर होता तो स्क्वायर करते हैं. नाउ क्यूब बोथ साइड्स. सो दिस विल बी x minus 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 अपॉन 3 प्लस 2 टू द पावर 1 अपॉन 3 होल क्यूब. अभी केयरफुली इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करो बस, ठीक से करो. On the left side, we will use a minus b whole cube, and on the right side, we will use a plus b whole cube. ऐसा.
थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ना, एक इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर हो जाएगा फिर इससे। अच्छा थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। सो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन इज ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इनटू ब्रैकेट एक्स माइनस वन। हाँ माइनस थ्री ए बी। अच्छा बी को विद साइन यूज नहीं करते हैं ना, जस्ट ए और बी यूज करोगे यहाँ पे। एंड ए माइनस बी ऑन द राइट साइड एक्सप्रेशन इज टू स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री इनटू टू रेस टू टू अपॉन थ्री ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए B एंड A प्लस बी। करेक्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। सो एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स यानी थ्री एक्स स्क्वायर एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस यानी कि थ्री एक्स ऑन द राइट साइड। थ्री थ्री कैंसिल, 2 square is 4, 3, 3 cancel, 2 to the power 1 is 2. This expression. 12, 2 to the... A to the power m into A to the power n, yani A to the power... m plus n. Yani 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 3, yani 2 to the power 3 by 3, yani 1, yani ki 2. Okay, to ye ho gaya abhi 3 into 2, yani 6. प्लस एंड दिस एक्सप्रेशन एक्स माइनस वन, दिस को अगेन वी कैन राइट एक्स माइनस वन। हाँ तो ये हो गया बी सिक्स टाइम्स एक्स माइनस वन। वन करेक्ट है। सो दिस इज एक्स क्यूब, इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, है ना, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, 4 plus 2 yani 6 minus 6x minus 6 cancel. Using transposition, take this on the left side and this on the right side. So x cube minus 3x square plus 3x minus 6x yani minus 3x is equal to 1. Correct. Correct. Bilkul correct. Is equal to 1. डन। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेंथी तो था लेकिन इजी था, मतलब ऐसा टफ नहीं है। स्टेप वन यूजिंग ट्रांसपोजिशन, वन ऑन द लेफ्ट साइड, फिर दोनों तरफ क्यूब केयरफुली ओपन। यहाँ पे कुछ इंडाइसेस के प्रॉपर्टीज लाइक ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एम प्लस एन, टू बाई थ्री, वन बाई थ्री यानी कि थ्री बाई थ्री यानी वन, टू टू द पावर वन होता है टू, टू इंटू थ्री होता है सिक्स, जिसको अगेन हम लोगों ने लिखा यहाँ पे एक्स माइनस वन, और फिर ये यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट और कुछ राइट में। फाइनली क्वेश्चन ही भी यही था, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, एंड क्लियरली एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज वन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, x is equal to 7 plus 4 root 3 cube root plus 7 minus 4 root 3 cube root, and then we have to find out the value of this expression x cube minus 3x. सेवन प्लस फोर रूट थ्री क्यूब रूट प्लस सेवन माइनस फोर रूट थ्री क्यूब रूट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। करो ट्राई करो, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट क्यूब ऑन द बोथ साइड्स।
स्टार्ट करते हैं. सो हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. बोलो. x is equal to 7 plus 4 root 3 cube root plus 7 minus 4 root 3 cube root. This expression we have to find out. फिर उसके बाद में आपको x cube minus 3x कैलकुलेट करना है. देखो काफी इजी सा क्वेश्चन है. 14 आएगा. 14 सर. ओके 14 वो जस्ट एक्सप्लेन करोगे. बस दोनों साइड क्यूब के है. हाँ तो सिंपली. अच्छा तो तुमने क्या, एक सेकंड देखते हैं. दिस नंबर ए, लेट्स से दिस नंबर कंप्लीटली बी. सो एक्स इज ए प्लस बी एंड एक्स क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. तो तुमने क्या जस्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही लिखा है क्या? लाइक 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 4 रूट 3 नहीं सर. कैंसिल 7 प्लस 7 14 ऐसा नहीं सर. नहीं सर. चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं. x cube is equal to a cube plus b cube plus 3 times a plus b multiplied with. Sir, a plus b को एक substitute करेंगे. बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी issue नहीं है, करना ही चाहिए. तो a plus b is definitely x. And what about a b? Sir, a b 1 आएगा. a b 7 plus 4 root 3 into 7 minus 4 root 3 and complete power 1 upon. Sir, 1 आएगा ये. हाँ, and this expression is a plus b into a minus b, यानी 7 square 49 minus 4 root 3 square. 48. What is 4 root 3 square? 48. यानी 1 और cube root of 1 कितना होता है? Just 1. So x cube is equal to a cube plus, अच्छा एक second, ये भी calculate कर लेते हैं ना पूरा. तो x cube is equal to, what is a cube? बेटा क्या होता है ना, जैसे क्यूब करते हैं ना, तो क्यूब एंड क्यूब रूट. a cube plus b cube will be 14. 7 plus 4 root 3 plus 7 minus 4 root 3 plus 3 ab है कितना 1 and a plus b is. x. This 4 root 3, 4 root 3 cancel. So x cube is equal to 7 plus 7 yani ki 14 plus 3x on that left side using transposition. So finally x cube minus 3x is equal to 14. Correct. Is there any doubt in this question? Just cube both sides. Considering this small a, this small b, a cube plus b cube plus 3ab, a plus b is a into b hai, in dono ka multiplication. Combined kya power 1 upon 3. 7 square is 49, 4 root 3 square is 48. 49 minus 48 is 1. 1 ka cube root hai 1. Aisa. But a plus b hai x. A plus b, this is x. Correct. Now using transposition, take 3x on the left side, yani x cube minus 3x is equal to 14. नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो यार आप लोग बोल सकते हो. ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसमें एक आइडेंटिटी ये भी होता है, लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एंड दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू ए प्लस बी. A plus B plus C bracket A square plus B square plus C square minus AB minus BC and minus C. ये identity है. इस identity का ये meaning है कि आप first multiply करोगे A with all these terms, then multiply करोगे B with all these terms, then multiply करोगे C with all these terms. काफी सारे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल एंड फाइनली यू विल गेट ओनली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस. हाँ तो वो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर इजीली प्रूव हो जाता है.
तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का ट्राई करो यार, है ना। देखो होता क्या है ना, a प्लस बी प्लस सी ये एज इट इज है, ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। एंड दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। एक रिदम टाइप का बन गया ना, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए अपॉन टू। इसको काफी इजीली प्रूव कर सकते हो आप। दिस इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर, एंड दिस इज सी स्क्वायर माइनस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर, ऐसा टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी और माइनस टू सी ए और अपॉन में है टू, कैंसिल, टू कॉमन और कैंसिल, रिमेनिंग इज ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना जरूरी है। काफी जगह पे आप ये प्रॉब्लम्स इस टाइप के क्वेश्चंस फेस करोगे। मैथ्स का जो टेस्ट होगा 8 जून को है, आई थिंक 8 जून को ही होना चाहिए, 8 का 7 जून को है। सर 8th जून को है, हाँ 8 जून मंडे। मतलब मेंटल एबिलिटी का टेस्ट हो गया है, फिजिक्स का हो गया है, नेक्स्ट टेस्ट विल बी ऑन केमिस्ट्री देन बायो एंड देन मैथमेटिक्स। ओके ठीक है, सो उसमें आपको ऐसे मिनिमम 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस और काफी सिंपल, मतलब थोड़ा सा भी अटेंटिव रहोगे तो इजीली आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। सो ये एक्सप्रेशन है a plus b plus c, a minus b whole square, b minus c whole square, c minus a whole square. Important point is this. देखो क्या होता है, if a plus b plus c is equal to 0, if a plus b plus c is equal to 0, wordings में we can say if three numbers are such that their summation is zero, definitely all three numbers cannot be positive, all three numbers cannot be negative, क्योंकि summation zero है तो some numbers should be positive and some numbers should be negative, then only summation will be zero, या फिर सारे zero, ऐसा भी possible है। So if a plus b plus c is equal to 0, तो ये expression है 0, 0 into anything will be zero. तो ये right side हो गया पूरा 0, मतलब is equal to में आ गया 0. Now using transposition take this on the right side, यानी a cube plus b cube plus c cube is equal to plus 3abc. ये काफी ज्यादा important point है, कि if three numbers are such that their summation is 0, then summation of their cubes, summation of their cubes will be equal to 3 times their multiplication. इसको wordings में याद रखना, if three numbers are such that, their addition is a 0, then summation of their cubes will be equal to 3 times their multiplication. करेक्ट है, ओके। एक पॉइंट ऑफ इसमें ना, क्वेश्चंस एक साथ करते हैं, इसमें पहले ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये इसका रिवर्स स्टेटमेंट हो गया। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो है दिस, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सेकंड स्टेटमेंट, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc,
तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ग्राफ देख लो पहले, इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, सो दिस 3abc, दिस 3abc, 3abc, 3abc कैंसिल, यानी अभी राइट साइड एक्सप्रेशन इक्वल्स टू जीरो, जीरो, टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो. स्टेटमेंट कंडीशन इज इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, सो 3abc माइनस 3abc, एक्स माइनस एक्स, पी माइनस पी, एप्पल माइनस एप्पल, यानी कि जीरो, दिस इनटू दिस इज जीरो, टू नंबर्स मल्टीप्लिकेशन जीरो, आइदर फर्स्ट नंबर जीरो और सेकंड नंबर जीरो. हाँ, तो फर्स्ट तो ये पॉसिबिलिटी है, ए प्लस बी प्लस सी कैन बी जीरो. सेकंड पॉसिबिलिटी, either this zero, this zero, and this expression is a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square is equal to zero. ये कई बार introduce कर चुके हैं, बोल भी चुके हैं, summation of squares, summation of squares is zero only if all terms are individually zero. A minus B zero, yani A is equal to B. B minus C zero, yani B is equal to C. C minus A is equal to zero, yani C is equal to A. तो देखो बेटा, एक तो ये possibility. Either A plus B plus C is equal to zero, or A is equal to B is equal to C. C. काफी लोग सेकेंड पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं या पता नहीं होता है, दे राइट जस्ट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बट वो रॉन्ग है. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, एक तो ये हो गया कि समेशन जीरो होना चाहिए, अदर पॉसिबिलिटीज ऑल थ्री नंबर्स आर इक्वल, लाइक ए क्यूब, लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी इज ए क्यूब plus c is also a cube, 3AAA, a cube, a cube, a cube, 3a cube, and 3AAA, 3a cube, 3 cube is equal to 3a cube, yes sir. So, first point, if summation is 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Iske upar ek question to dekho, ye banta hai. फाइंड वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए. ये क्वेश्चन सर, फर्स्ट वन आंसर विल बी थ्री.
Correct. Value of the expression a minus b whole cube, b minus c whole cube plus c minus a whole cube upon a minus b, b minus c and c minus a. देखो ऐसा बिल्कुल मत करना कि इसमें तुम a minus b whole cube वाला identity apply कर दो, ऐसे नहीं करना होता है. Just इतना observe करो, this is basically summation of cubes. तो आपके mind में आना चाहिए कि काम करते हैं पहले numbers की value check, numbers का summation check करते हैं. So first number है a minus b, second number है b minus c एंड थर्ड नंबर है सी माइनस ए. इनका समेशन कितना आ रहा है बोल? जीरो. माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, ए माइनस ए इज आल्सो कैंसिल्ड. सो दिस प्लस दिस प्लस दिस है जीरो. इट मींस थ्री नंबर्स आर सच दैट देयर समेशन इज जीरो. सो समेशन ऑफ देयर क्यूब्स, summation of their cubes equals to three times their product, three times their product. Correct. A minus b, b minus c or c minus a. Divide may be same expression hai. A minus b, b minus c, c minus a. Cancel, cancel, cancel. Final answer. Three. बिल्कुल सही. अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे फैक्टर्स है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड थ्री. ऐसा थ्री कॉन्स्टेंट है, बाकी ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए ये वेरिएबल है. एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन दिस. If x cube plus y cube is equal to 1 minus 3xy, then find the value of x plus y. वन वो जस्ट बता रहे हो क्या? अच्छा देखते हैं. If x cube plus y cube is equal to 1 minus 3xy, then find the value of the expression x plus y. देखो इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं ना, ये है x cube. एक काम करो, पहले 1 को यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आओ. दिस इज क्यूब ऑफ x, दिस इज क्यूब ऑफ y, and this number is cube of minus one. बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. So basically the expression is similar to summation of three cubes. Yes or no? Yes. अब ये चेक कर लेते हैं, राइट साइड में ऐसा तो नहीं आ रहा है. Three times their product, their product. ये मैच हो रहा है क्या? एक बार चेक करो. Yes. So here we can observe a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. So first possibility, either their summation is zero. Or second possibility, all three numbers are equal. लेकिन अभी इंफॉर्मेशन आपको ये भी गिवन है, x इज नॉट इक्वल टू y. हाँ तो देखो, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गया कि समेशन जीरो, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. बट बेटा यहाँ पे जो सेकंड पॉसिबिलिटी है ना, वो आप यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है x इज नॉट इक्वल टू
y. So clearly summation x plus y or minus ka 1, this should be 0. One. And x plus y is equal to 1. Correct. 1. हाँ बिल्कुल. एक क्वेश्चन और सॉल्व कर ले क्या आप लोगों में थोड़ा पेशेंस है तो. Yes sir. Yes sir. एक क्वेश्चन और सॉल्व कर ले. Next question है this. ये क्वेश्चन लिखते हैं 425 होल क्यूब माइनस 400 होल क्यूब माइनस 25 होल क्यूब फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अब इसमें काफी लोग करते क्या है ना 425 होल क्यूब कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं लाइक 425 into 425 into 425. नहीं करना होता है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अपने आप समझ पाएंगे क्वेश्चन और विद इन सेकंड्स हो जाता है. लेक्चर के बाद में जस्ट ग्रुप एक शीट पोस्ट कर रहा हूं मैं, वो आपको कंप्लीट करना है विद सॉल्व एग्जांपल्स. नेक्स्ट टाइम में वो डिस्कस करेंगे. और 25 होल क्यूब प्लस इन ब्रैकेट व्हाट शुड बी राइट. माइनस 16 इंटू 25 बेटा यहां इधर बात करो मैं माइनस 400 और यहाँ पे माइनस 25. हाँ क्या ऑब्जर्वेशन है क्लियरली सम इज जीरो. हाँ बिल्कुल सम जीरो. सो समेशन ऑफ दियर सर आंसर हेलो सर आंसर 2 crore 70 lakh. ठीक है अभी इतना कैलकुलेट तो नहीं करना था उसको. सो समेशन ऑफ दियर क्यूब्स विल बी 3 times फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इनटू थर्ड नंबर यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट ऐसा. तो ये हो गया फाइनली माइनस इनटू माइनस इज प्लस. 25 इनटू 4 इज 100 300 और ये हो गया है अभी दिस 425 इनटू 3 और यहां पे है 100 और 100 ऐसा करेक्ट 75, 12 और यहाँ पे 46 ये इसका आंसर है. अच्छा था यही आंसर आ रहा था क्या 1 crore 27 lakh 50 thousand. नहीं ये तो नहीं बोला आपने. यस सर. अच्छा मैं ये तो नहीं. हाँ भाई नहीं तो सब कुछ करेक्ट करने के बाद लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक करना है ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. ठीक है तो इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी ये था कि यहाँ पे आपको क्यूब्स करने का रिक्वायरमेंट नहीं था क्योंकि समेशन कोइंसिडेंटली जीरो आ रहा है. और भी कई ट्रिक्स होते हैं बताएंगे कमिंग लेक्चर्स में. ठीक है चलो फिर आज इतना ही करते हैं बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. नोट्स वगैरह स्ट्रॉन्ग करके रखो और एक शीट सेंड करता हूँ अभी वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लो विद सॉल्व एग्जाम्पल्स. शीट के लास्ट में सेल्फ असेसमेंट भी है वो भी सॉल्व कर लेना पूरा. ठीक है चलो ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. कोई डाउट है तो मेरे को बताना फिर डिस्कस कर लेंगे. ठीक है यस सर. चलो यार ओके और थोड़ा सा थोड़ा फ्रेश होके अटेंड किया करो क्लास है ना. ठीक है मैं भी ऐसे नहीं कि जस्ट उठ के और क्लास लेने लग जाता हूँ ऐसा नहीं है. प्रॉपर नहा के और तब लेता हूँ अभी तो आप लोग भी थोड़ा ट्राई किया करो प्रॉपर एटलीस्ट क्लास के 1 hour पहले उठ जाना चाहिए तो माइंड काफी एक्टिव रहता है उस टाइम. चलो फिर ओके बाय है ना मिलते हैं. ठीक है Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir.